आओ बच्चों, हम पहली क्लास की मैथ्स वर्ल्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्ले विद डिजिट्स। तो आओ शुरू करते हैं वर्कशीट, प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट काउंटिंग 1 2 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग लिखो, गिनती लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोला गया है एनसर्कल द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर पे गोला लगाओ। 3 और 4 में से 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4। 9 और 6 में से बड़ा कौन सा है? 9। 2 और 1 में से बड़ा कौन सा है? ग्रेटर 2 है। 7 और 9 में से ग्रेटर कौन सा है? 9। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ब्लैंक्स भरने। यहां पर आपने इससे पिछले वाला नंबर लिखना है। 8 से पहले क्या आता है? 7। 5 से पहले क्या आता है? 4। अब यहां पर बाद वाले नंबर लिखने हैं, बाद वाले डिजिट लिखने हैं। 7 के बाद क्या आता है? 8। 4 के बाद क्या आता है? 5। अब यहां इन बिटवीन, यानी कि जो बीच में डिजिट आते हैं वो लिखने हैं। 7 और 9 के बीच में क्या आता है? 8। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5। राइट बैकवर्ड काउंटिंग 9 2 1, मतलब पीछे, ये देखो एरो भी लगाया हुआ है ना, पीछे जाना है 9 से लेकर 1 तक। चलो शुरू करते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर यानी कि छोटे नंबर पे गोला लगाओ। 3 और 5 में से छोटा कौन सा है? 3। 7 और 9 में से छोटा कौन सा है? 7। 8 और 6 में से छोटा कौन सा है? 6। 9 और 8 में से छोटा कौन सा है? 8। अगला काम, काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो। चलो गिनते हैं कितने सेब हैं। 1 2 3, लिख दिया 3। गिनते हैं कितने मैंगोज हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 मैंगोज हैं। पेंसिल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेंसिल्स। फिर बोला गया एक्टिविटी, चलो देखते हैं। वन मोर, वन ग्रीन पैरेट सफरिंग फ्रॉम फ्लू। एक हरा तोता बेचारा बीमार था। अदर विजिट टू सी इट, नाउ दे आर टू। बाकी ने उनको, उनका हालचाल पूछने के लिए विजिट किया, उनको मिलने आए, तो एक तो पहले ही था, अब एक और मिलने आ गया उसको, तो अब कितने हो गए? टू, दो हो गए, ये बना दिए दो। टू ग्रीन पैरेट्स नाउ सिटिंग ऑन द ट्री। अब क्या है? अब दूसरी सिचुएशन में बताया गया है, अब दो हरे रंग के तोते एक पेड़ की टहनी के ऊपर
बैठे थे। Another came to join them. Now they are three. तो दो तोते बैठे थे, two. एक और आ गया उनके पास प्लस एक, तो अब कितने हो गए? तीन। अब इन तीन तोतों की कहानी सुनते हैं। Three green parrots want a more. अब तीन हरे तोते थे, उनको एक और चाहिए था दोस्त। Another came to give them. Now they are four. तीन के पास एक और आ गया, अब वो कितने हो गए? Four. अब क्या हुआ? Four. Four green parrots looking for beehive. चार हरे तोते एक मधुमक्खी का छत्ता देख रहे थे। One came to tell them. Now they are five. अब चार के पास एक और उनको बताने आया कि कहाँ है वो छत्ता, तो अब वो कितने हो गए? Five. आओ बच्चों, अच्छे से समझाती हूँ। ये देखो, one और one दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? Two. Two और one को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? Three. Three में one जोड़ दो, क्या बन जाएगा? फोर। फोर में वन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? फाइव। अब ये जो प्लस का मतलब होता है ऐसे करने का, इसका मतलब ऐड करना, मिलाना और जोड़ना, और ये इक्वल टू है, इसका मतलब बराबर। तो अगर मैं लिखती हूं वन प्लस वन, वो किसके बराबर होता है? टू प्लस वन, दो और एक कितना बनाते हैं? इक्वल टू थ्री। थ्री और एक मिलके कितना बनाते हैं? फोर। फोर और एक मिलके कितना बनाते हैं? फाइव। बच्चों अगर नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे समझाती हूँ। ये देखो, वन में एक और वन ऐड कर दो, कहां पे चले जाएंगे? अगले पे, टू पे। टू में वन ऐड कर दो तो कहां पे आ जाओगे? अगले नंबर पे, थ्री पे। थ्री में वन ऐड कर दो तो कहां पे आ जाओगे? फोर पे। फोर में वन ऐड कर दो तो कहां पे आ जाओगे? फाइव पे। ठीक है, देखते हैं। अब बात करेंगे घटाने की। माइनस वन लेस, लेस मतलब कम। चलो देखते हैं। फाइव पिजन्स ऑन अ ट्री वॉन्ट टू ईट मोर। पांच कबूतर एक टहनी पे बैठे थे पेड़ की, और वो और खाना खाना चाहते थे। पांच है ना, वन टू थ्री फोर फाइव। वन फ्लू, एक उड़ गया, टू ईट समथिंग, रेस्ट लेफ्ट फोर। अब पांच थे, पांच में से एक को बहुत जोर के भूख लगी और वो उड़ गया, तो अब कितने रह गए? वन टू थ्री फोर। आगे बात करते हैं। अब ये जो फोर पिजन्स थे, फोर पिजन्स आर ऑन अ ट्री वॉन्ट टू ईट पी। अब चार पिजन्स जो रह गए, उनमें से भी एक को बहुत जोर के भूख लगी और उनमें से एक मटर खाना चाहता था। पी का मतलब होता है बच्चों मटर खाना, मटर देखना। तो वो जो था एक इकलौता चौथा, वो भी उड़ गया, कहता मैं तो मटर खाने जा रहा हूं। वन फ्लू टू ईट इट, रेस्ट लेफ्ट थ्री। ये चौथा उड़ गया, अब कितने रह गए? वन टू थ्री। चलो अब इसकी बात करते हैं। थ्री पिजन्स ऑन अ ट्री ईटिंग इन अ क्यू। तीन पिजन्स जो थे, तीन कबूतर एक टहनी पे बैठे थे एक क्यू में, एक कतार में, एक लाइन में। वन फ्लू टू ईट समथिंग, अब तीन में से भी एक जो है वो उड़ गया। एंड रेस्ट लेफ्ट टू, अब
तीन में से एक उड़ गया, तो कितने बच गए बच्चों? यहां पर दो बच गए। आगे बढ़ते हैं। टू पिजन्स ऑन अ ट्री वॉन्ट टू ईट बन। अब फिर से उनको भूख लग गई, दो में से एक कुछ खाना चाहता था, बन खाना चाहता था। वन फ्लू टू ईट इट, एक उड़ गया खाने के लिए। अब कितना बच गया बेचारा? एक। वन लास्ट पिजन नाउ डांसिंग लाइक अ हीरो, जो आखिरी पिजन था, आखिरी कबूतर बचा था, वो एक हीरो के तरीके से डांस कर रहा था। और फाइनली इट ऑल्सो फ्लू, वो भी उड़ गया टू ईट समथिंग, कुछ खाने के लिए। रेस्ट लेफ्ट जीरो, अब जो बचे हैं कुछ भी नहीं बचा। ये आखिरी पिजन भी उड़ गया, अब तो अंडा बचा यहां पे। ठीक है, अंडे का मतलब जीरो, हम अंडा नहीं बोलते, हम जीरो बोलते हैं। देखते हैं बच्चों, फाइव। अब देखो, पांच में से एक घटा दो, फाइव माइनस वन, कितना बच जाएगा? फोर। या आप ऐसे कर सकते हो, वन प्लस फोर क्या बनता है? फाइव। फोर कैसे बनता है? वन प्लस थ्री। थ्री कैसे बनता है? वन प्लस टू। या आप कह सकते हो, फोर में से वन माइनस किया, क्या बचा? थ्री। थ्री में से वन माइनस किया, टू। टू में से वन माइनस किया, वन। और वन में वन माइनस किया, जीरो। आओ समझते हैं। फाइव माइनस, इसका मतलब होता है ऐसे डंडे का माइनस, घटाना। पांच में से एक गया, कितना रह गया? फोर। फाइव माइनस वन, पांच में से एक गया, वापस हम पीछे गए चार पे। फोर माइनस वन, थ्री। थ्री माइनस वन, तीन में से एक गया, दो। टू माइनस वन, दो में से एक गया, एक। और अगर एक बचा था उसमें से भी, वो भी चला गया, एक में एक भी गया, तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो। आओ बच्चों आगे चलते हैं। एक्टिविटी, जोर तोड़ अप टू फाइव विद फिंगर्स। चलो करते हैं जोर तोड़। मैम आई हैड वन पेंसिल। देखो बच्चों, वन जो है उसके साथ पेंसिल्स नहीं आएगा, वन पेंसिल होता है। बच्चा बोलता है, मैम मेरे पास एक पेंसिल थी। माई मदर गेव मी वन मोर, मेरे पास एक थी, मम्मी ने एक और दे दी। नाउ आई हैव, तो दोनों को गुना कर दिया, ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई? टू पेंसिल्स। टीचर क्या बोलती है? यस लेट्स टेल मी दैट हाउ मेनी फिंगर्स आर रेस्ड एंड हाउ मेनी फिंगर्स आर फोल्डेड। टीचर ने ऐसे हाथ उठाया तो बच्चों से पूछा कि कितनी उंगलियां रेस्ड है, मतलब खड़ी हुई हैं, बाहर निकली हुई है। तो बच्चे ने बोला, मैम रेज्ड फिंगर्स कितनी है आपकी? दो। तो फिर टीचर ने बोला, अच्छा बताओ कितनी मुड़ी हुई है, बंद है? तो बच्चे ने बोला, मैम ये एक दो और तीन, तीन जो है वो फोल्डेड है। तो टीचर ने बोला, गुड लेट्स काउंट बाय फोल्डिंग फिंगर्स। अब हम गिनती करेंगे उंगलियां बंद करके। चलो आगे चलते हैं। काउंट एंड राइट, गिनो और लिखो द फिंगर्स ऑफ योर हैंड एज शोन बाय फोल्डिंग, जैसे दिखाया गया है यहां पर कि फोल्ड कर करके यहां पे लिखनी है। देन बाय रेजिंग एंड फोल्डिंग फिंगर्स, फिर रेज करना मतलब उंगली बाहर निकालना, और फिर क्या करना? फोल्ड कर देना। चलो बच्चों देखते हैं, इस हाथ में आपको कितनी रेज्ड दिख रही है? रेज्ड को ऐसे बना देती हूं ताकि आपको समझ आ जाए, बाहर निकली हुई। वन टू थ्री फोर फाइव, मुझे तो फाइव बार दिख रही है। फोल्डेड, जीरो, कोई भी मुड़ी हुई नहीं है, अंदर की तरफ को कोई भी नहीं है। आगे चलते हैं, रेज्ड कितनी है? वन
टू थ्री फोर, फोर रेस्ड है, और कितनी फोल्डेड है, ये अंगूठा फोल्डेड है, वन। अब रेस्ड कितनी है, वन टू थ्री, थ्री रेस्ड है, और फोल्डेड कितनी है, दोनों कोनों की फिंगर्स फोल्डेड है, वन टू, दो हो गई। अब कितनी रेस्ड है, वन टू, टू रेस्ड है, टोटल कितनी होती है, फाइव, फाइव में से टू रेस्ड है, तो फोल्डेड कितनी है, वन टू थ्री, थ्री। आगे रेस्ड कितनी है बच्चों, वन, वन रेस्ड है, फोल्डेड कितनी है, वन टू थ्री फोर, फोर फोल्डेड है। अब इसमें कितनी रेस्ड है, बाहर कोई भी नहीं निकली हुई, जीरो, और फोल्डेड कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव फोल्डेड। ठीक है, तो टीचर ने यही बोला था, पहले सारी रेज करेंगे, फिर एक-एक करके बंद करेंगे, और आखिर में सारी मुट्ठी बंद करेंगे। चलो आगे चलते हैं, एक्टिविटी। द कंसेप्ट ऑफ जोड़ तोड़ विद दी हेल्प ऑफ स्लाइडिंग कार्ड। अब एक कार्ड है, उसको इधर उधर हिलाते हैं तो जोड़ तोड़ करना है हमने। चलो करते हैं। जोड़ का मतलब प्लस, तोड़ का मतलब माइनस, घटाना। अब टीचर ये कार्ड दिखाती हैं, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द कार्ड, और पूछती हैं कि इस कार्ड पे कितने डॉट्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, और बच्चा बोलता है मैम इसमें पांच डॉट्स हैं। अब टीचर क्या करती हैं, दो डॉट्स को छुपा देती हैं, ये दो हट गए यहां से। अब टीचर पूछती है, नाउ हाउ मेनी डॉट्स आर देयर, अब बताओ कितने डॉट्स हैं। तो बच्चा बोलता है वन टू थ्री, बिकॉज यहां के दो छुप गए, मैम थ्री। चलो अब ट्राई करते हैं, लेट्स डू अंडर द कार्ड। अब कार्ड के अंदर कितने डॉट्स हैं वो हमने लिखने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कार्ड के अंदर फाइव है। आउटसाइड द कार्ड, कार्ड के बाहर जीरो। अगला देखते हैं, वन टू थ्री, थ्री अंदर है और आउटसाइड यानी कि बाहर कितने हैं बच्चों, दो बाहर चले गए, ये लो दो। अब यहां पर मुझे अंडर द कार्ड या इनसाइड द कार्ड तो कोई भी नहीं दिख रहा, यहां आ जाएंगे जीरो, और सारे के सारे डॉट्स बाहर चले गए, तो कितने डॉट्स थे, पांच, फाइव। फिर से देखते हैं, अंडर द कार्ड, वन टू थ्री फोर, फोर हो गया। आउटसाइड द कार्ड, कार्ड के बाहर कितने हैं, वन। अंडर द कार्ड, वन। आउटसाइड कितने हैं जो बाहर चले गए, फोर। अंडर द कार्ड, वन टू, टू बाहर कितने चले गए, थ्री। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप कहीं पे भी जोड़ करके देख लो, सब जगह आंसर कितना आएगा, पांच आएगा, क्योंकि जो टोटल थे डॉट्स वो कितने थे, पांच, उनको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। चलो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। अब हमने एक्टिविटी करनी है, जोड़ तोड़ ऑफ फाइव विद सॉलिड फिगर्स। जोड़ तोड़ करना है सॉलिड फिगर्स के साथ, मतलब चीजों के साथ, बढ़ाना या घटाना है। यहां कितनी पेंसिल है, वन टू थ्री फोर, यहां लिख दिया फोर, यहां पे वन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको जोड़ना है, कितना बन जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, फोर में एक जोड़ दिया, फाइव, वन टू थ्री, थ्री है और यहां पे कितनी है, टू, थ्री और टू जोड़ दिया तो कितना आ गया, फाइव। ऐसे ही
इस साइड है, 1 2 3 इस साइड है, जो यहां बच्चे ने बनाया 1 2 3, इस हाथ में 3 है, तो कितना हो गया 2 प्लस 3 5। फिर से देखते हैं, इस साइड है बच्चों 1, इस साइड है 4, 1 2 3 4, अब सब मिला दो 1 2 3 4 5। फिर से देखते हैं, यहां बनाई गई है 5, 1 2 3 4 5, और इस हाथ में एक भी पेंसिल नहीं, 0, तो 5 में कुछ भी नहीं जोड़ा, 0, तो यहां पे क्या आ गया 5। किसी भी डिजिट में अगर आप 0 जोड़ देते हो तो वही डिजिट वही नंबर आंसर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जोड़ तोड़ ऑफ 5 to 9, 5 से 9 तक का जोड़ तोड़ करना है। अब ये जोड़ तोड़ कैसे करना है चलो देखते हैं। टोटल कितनी किताबें हैं, 1 2 3 4 5, दो हिस्सों में, एक 3 और एक 2। ठीक है बच्चों, हम यहां लिखेंगे 3 और नीचे कितना है 2, तो 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। दोबारा देखते हैं, 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब बच्चों इसका एक और तरीका है, देखो मैं आपको बताती हूँ 5 तक और भी कैसे जाया जा सकता है। एक तो आपने 3 और 2 लिख दिया, देखो दूसरा तरीका, आप 4 और 1 भी जोड़ोगे तो भी तो 5 आ जाएगा। अगर आप 2 और 3 जोड़ोगे तो भी 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरे तरीके हैं जिससे हम 5 तक पहुंच सकते हैं। आप यहां पर 3 और 2 ही लिखना, जो यहां पर किताबें बनाई गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कितनी पेंसिल है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 पेंसिल्स हैं, या तो 4 और 2 जोड़ दो, 4 जो यहां लिखा हुआ है और 2। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 5 और 1 भी जोड़ोगे तो भी 6 आ जाएगा, 3 और 3 भी जोड़ोगे तो भी क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 ऊपर 1 2 3, 3 नीचे तो भी 6 आ जाएगा। अब करते हैं 7 की बात, 4 1 2 3 4, 4 गमले और नीचे कितने हैं 1 2 3, 3 गमले, 4 और 3 को जोड़ा क्या आ गया 7। और क्या हो सकता है, 6 और 1 को जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा, 1 2 3 4 5 6 और 1, क्या आ गया 7। ऐसे ही 5 में 2 जोड़े, क्या आ गया 7। आगे देखते हैं 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऊपर 6 बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर कितने बना दिए उन्होंने गलती से 9, तो हम क्या करते हैं ऊपर से 1 घटा देते हैं क्योंकि किताब में गलती से प्रिंट हो गया, तो ऊपर कितने रह गए 1 2 3 4 5 रह गए, ये लिख दिया 5, नीचे कितने हैं 3, 5 और 3 को जोड़ा तो क्या आ गया बच्चों 8। और कैसे आ सकता है 8, 7 और 1 को जोड़ा तो भी 8 आ सकता है। ठीक है, 2 और 6 को जोड़ा तो भी 8 आ सकता है, आप बताना आ सकता है या नहीं। आगे देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पतंग ऊपर, 1 2 3 4, 4 नीचे, 5 और 4 को जोड़ा तो क्या आ गया 9। ऐसे ही 8 और 1 को जोड़ा, क्या आ गया 9। 9 और कैसे आ सकता है, 6 और 3 को जोड़ा तो भी हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये थी आज की क्लास, अब हम अगली क्लास में आगे का करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना।